मैं जसवीर कौर सिविक टेक्नोलॉजी की इंस्ट्रक्टर ITI मोहाली तो थानू आज लेडीज़ कुर्ती की ड्राफ्टिंग बारे दसांगी। लेडीज़ कुर्ती आम तौर पर कई डिजाइन नाल तैयार की जाती है, जिमें पिंटेक्स पा के कढ़ाई करके ते पाइपिंग लगा के तैयार कर सकते हाँ। असी कुर्ती बनाने लई सब तो पहला कपड़े की चोण करांगे, जिमें पापलीन, रूबिया, कैमरिक, टेरीकोट ते प्लेन कॉटन ते चेकदार कपड़े दी बना सकते हाँ। हुण मैं थोनू ड्राफ्टिंग करन दी जानकारी दे रही हाँ। सब तो पहला साडे कोल नाप होना बहुत जरूरी है, नाप दे आधार ते असी ड्राफ्ट तैयार कर सकते हाँ। आ लो हुण मैं थोनू पहला सब तो पहला जरूरी नाप दसांगी। जरूरी नाप लंबाई 36 इंच 91 सेंटीमीटर, छाती 32 इंच 81 सेंटीमीटर, वेस्ट कमर 28 इंच 71 सेंटीमीटर, हिप 36 इंच 91 सेंटीमीटर, तीरा 14 इंच 35 सेंटीमीटर, बांह की लंबाई 15 इंच 38 सेंटीमीटर, मूरी बॉटम 6 इंच राउंड 12 हैगा, तो असी 6 इंच लौंगे दा हाफ। हुण मैं थोनू ड्राफ्टिंग बारे जानकारी दे रही हाँ। हुण तुसी देखो नाप मेरे कोल हैगा है, इस आधार ते असी ड्राफ्टिंग शुरू करन लगे हाँ। ते सब तो पहला असी कुर्ती दी लंबाई लै लेनी है, जिमें 36 इंच लंबाई। 36 इंच लंबाई लैके असी इत्थों सीधी लाइन लगा लेनी है। उस तो बाद जिमें आप ड्राफ्टिंग क्लास कराते हैं, 0 तो 1 लंबाई 36 इंच, फिर असी 0 तो 2 मोढ़े तक की लंबाई, जिमें साड़ी छाती 32 है, उहदा 1/4 हिस्सा लैके 8 इंच इत्थे भी असी लाइन लगा लेनी है, चेस्ट वाली लाइन आ जानी इत्थे। उस तो बाद अगे 0 तो 3 असी तीरा लेना हैगा, तीरा जिमें 14 इंच है तो 1/2 तीरा लेना है, 7 इंच लैके अगे तीरा लैके इतों सीधी रेखा खिंच लेनी है, मोढ़े की रेखा आ गई। उस तो बाद असी लंबाई तो 0 तो 4 कमर जिहड़ी साडी वेस्ट हैगी आ 28 इंच हैगी, उहदा 4th हिस्सा आंदा हैगा 7 इंच, 1/4 हिस्से च वेस्ट कमर लैनी हैगी। आ कमर असी 14 इंच ते लै सकते हैं, 15 ते लै सकते हैं, इत्थे असी वेस्ट दी लाइन लगा लेनी हैगी आ। उस तो बाद साडा हिप दा नाप हैगा 36 इंच, उपरों असी लेंथ तो शोल्डर तो तीरे तो असी लैना हैगा 21 इंच दी, इत्थे 21 इंच लैके फिर असी हिप दी लाइन लगा लेनी है। हुण देखो तुसी तीरा असी 7 इंच लिया हैगा, 14.5 7 नीचे तो मोढ़े दी रेखा होगी 8 इंच। उस तो बाद हुण जिवें छाती हैगी साडी 32 इंच, 32 दा 4th हिस्सा आंदा 8 इंच, प्लस इहदे च कुर्ती दी लूज 1.5 इंच जां 1 इंच लै सकते हाँ। मान लो असी 1.5 इंच लिया तो 9.5 इंच दे निशान लगा लेना, 9.5 हो गया चेस्ट। फिर कमर इसे तरह कमर साड़ी है कि 28 दा हाफ हो गया, 1/4 राउंड चेस्ट कमर सॉरी, ते 4th हिस्सा 7 इंच है, 1 इंच लूज लेना, ये 1/2 इंच असी बैक ते डाट पा सकते हैं कमर ते शेप लियाण वास्ते 1/2 इंच लूज। उस तो बाद हिप लैनी असी, हिप दी रेखा ली हुई पहला, हिप साड़ी हैगी 36 दा 4th हिस्सा हो गया 9 इंच, ये प्लस असी 1 इंच लूज दे सकते हैं, 1/2 इंच दे सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं देना है। उस तो बाद असी इतों हिप लैके नीचे घेरे नाल सीधी रेखा खिंच लेनी है। उस तो बाद असी की करना, शेपर नाल चेस्ट लाइन तो वेस्ट नाल मिलाना हैगा, पहला शेप देनी हैगी है, फिर हिप नू लेग शेपर नाल
उल्टा के गुलाई शेप दे देनी है, थोड़ी जी कमर दी इतों गुलाई सैट कर लेनी हैगी है। उस तो बाद की करना हैगा, तुसी गला लेना है 1/12 छाती दे हिसाब नाल गला लेंदे हैं अपना, 32 दे हिसाब नाल 2.6 आंदा हैगा, असी 2.6 गले दी चौड़ाई विड्थ ले लेनी है। तो फ्रंट नेक दी लंबाई असी अपने मर्जी नाल 6 इंच, 5 इंच, जे डीप लेना तो 7 इंच। फिर असी स्फेयर एदा बॉक्स बना लेना हैगा, नैक का ड्रॉ कर लेना ड्राफ्टिंग च। बॉक्स बनाने तो बाद 1 इंच अंदरों शेप लैके राउंड शेप दे दो गले दी, फ्री हैंड हाथ नाल ही राउंड शेप दे दो, तुसी दे सकते हो। उस तो बाद बैक नैक की लंबाई लैनी असी 2 इंच लै सकते हैं, कुर्ती दे गले बैक ज़्यादा डीप नहीं होंगे, 2 इंच, 1.5 इंच तो 1 इंच भी लै सकते हैं। जे तुसी कॉलर लगाना है या बैंड लगानी है फिर तुसी तीरा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हुण असी राउंड नैक बनाना, इहदा तीरा 7 ही लिया होया हैगा क्योंकि 14 सी। उस तो बाद 1/2 इंच नैक तो शोल्डर शेप, 1/2 इंच शोल्डर शेप नैक तो इहनू तिरछा मिलाना हैगा स्केल नाल। उस तो बाद मोढ़े दी असी काट पानी है, फ्रंट आर्म होल ते बैक आर्म होल। असी इत्थों 4 नंबर तो सीधी रेखा ली हुई सी, 1 या 1/2 इंच लैके तिरछा ले लेना हैगा। फिर असी लैग शेप शेपर नाल असी बैक आर्म होल दी शेप दे देनी हैगी, सेंटर पॉइंट लैके सीधी रेखा दा मोढ़े वाली दा। फिर असी इहदी कुर्ती दी असी डीप गुलाई नहीं पाते हैगे फ्रंट दी, थोड़ी 1/2 इंच नीचे डाउन करके फ्रंट आर्म होल दी शेप दे देनी हैगी। साड़ी ड्राफ्टिंग तैयार है। उस तो बाद एक गल का होर ध्यान रखना, जो असी ड्राफ्टिंग करनी है कपड़े दे आ वाला हिस्सा थोड़ा लेंथ वाला सांझा होना चाहिए है, लेकिन हुण मैं ब्राउन पेपर दे थोनू फ्रंट ते बैक इदा ये ही शो किया होया है ड्राफ्टिंग। हुण मैं थोनू कटिंग दसांगी। हुण असी कटिंग करनी हैगी, सब तो पहला असी तीरे की कटिंग तो लैके फिर असी बैक आर्म होल, फिर चेस्ट वाली लाइन लैके वेस्ट नीचे जाना हैगा। देखो कटिंग हो गई हुण बैक दी, इत्थों असी सेंटर तो कटिंग कर देना हैगा क्योंकि मैं ब्राउन पेपर ते डबल पीस नहीं लिया। हुण अलग कर लेना इहनू, बैक नैक पहला तुसी जिवें 2 इंच लिया होया सी ते 2.6 इंच चौड़ाई सी, बैक नैक दी असी गले दी कटिंग कर देनी हैगी है। बैक नैक देखो वखरा कर लिया है, बैक नैक बैक हिस्सा वखरा। तो हुण असी फ्रंट नैक दी गुलाई कटिंग करनी हैगी। फ्रंट दी गुलाई कटिंग करन तो बाद फ्रंट आर्म होल दी, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं होनी है, इन्हें लाइट जी 1/2 इंच अंदरों लैके अपने फ्रंट आर्म होल दी कटिंग कर लेनी है। हुण साडा पैटर्न ड्राफ्टिंग कट के पैटर्न तैयार हो गया है, क्वार्टर स्लीव बनानी है। तो चौड़ाई जिहड़ी लैनी असी वो 32 चेस्ट के हिसाब न लैनी, जिमें अपनी 32 चेस्ट से वह 1/4 हिस्सा लेना, चौड़ाई 8 इंच। सब तो पहला लंबाई ली फिर चौड़ाई ली फिर असी एदा बॉक्स तैयार कर लेना है। लंबाई लिती जिमें 0 तो 1 लंबाई, 0 तो 2 चौड़ाई लैके एदा बॉक्स तैयार किया। उस तो बाद असी इनू मोढ़े की काट पानी जिमें 3 इंच नीचे डाउन लिता लंबाई वाली साइड तो, तो इधरों भी डाउन ले लेना हैगा। सीधी रेखा लो, सीधी रेखा लैके ऑन फोल्ड वाली साइड तो अपने तिरछा मिलाना हैगा। तिरछा मिला के इहदा सेंटर पॉइंट लेना हैगा, सेंटर पॉइंट लैके असी
फ्रंट आर्म होल्डी ते बैक आर्म होल्डी 6 पानी अद्धा इंच तुसी इत्थों निशान लगा लेना सेंटर पॉइंट तो अद्धा इंच लेना लैके पहला असी बैक आर्म होल्डी कट शो करनी हैगी आ उस तो बाद सेंटर पॉइंट नू टच करते हुए फ्रंट आर्म होल्डी कट शो कर देनी है। उस तो बाद जिवें मूरी साडी 6 इंच 12 इंच राउंड सी तां उहदा हाफ लेना सी 6 इंच बाद च इहनू मोढे दी काट नाल तिरछा मिला देना हैगा। आ साडी देखो स्लीव दी ड्राफ्टिंग तैयार है। ड्राफ्टिंग ऑन फोल्ड इत्थों होनी चाहिए जो तुसीं कपड़े दे भी करनी हैगी आ सांझा हिस्सा होना चाहिए तो ऑन ग्रीन होनी चाहिए। ऑन ग्रीन लंबाई वाली साइड इहनू आडा नहीं लेना असी। इस तो बाद असी ड्राफ्टिंग की कटिंग कर देनी है। उस तो बाद बैक की काट पहला असी इकट्ठी कट लेनी है जिवें सेंटर विच छोटा जा नोच लगाते हुए छोटा जा कट लगा के इनू वक्खरा करके फ्रंट आर्म होल दी काट पा देनी। इस तरह साड़ी आ देखो स्लीव दी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। देखने वास्ते धन्यवाद। जे थानू मेरी आ वीडियो पसंद आई तो लाइक ते शेयर करो।